हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ। ये प्रश्न उत्तराखंड राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं उत्तराखंड UK SSC ग्रुप सी, DLED, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड PSC, उत्तराखंड पुलिस, UBTER ग्रुप सी, ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गौरी तथा काली नदियां आपस में कहां पर मिलती हैं? उत्तराखंड राज्य में गौरी तथा काली नदियां आपस में कहां पर मिलती हैं? का जौलजीबी, खा रानीबाग, गा बागेश्वर, घा पंचेश्वर। सही उत्तर है जौलजीबी। उत्तराखंड में गौरी तथा काली नदियां आपस में जौलजीबी में मिलती हैं। काली और गौरी जो नदियाँ हैं उत्तराखंड में वो आपस में जौलजीबी में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जनपद चमोली के घाट स्थान पर नंदाकिनी नदी में किस नदी का संगम होता है? जनपद चमोली के घाट स्थान पर नंदाकिनी नदी में किस नदी का संगम होता है? का प्राणमती नदी, खा आटागाड़ नदी, गा चुफलिया नदी, घा विरही नदी। सही उत्तर है चुफलिया नदी। जनपद चमोली के घाट स्थान पर नंदाकिनी नदी में चुफलिया नदी का संगम होता है। क्वेश्चन नंबर तीन है, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से किस नदी का संगम होता है? विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से किस नदी का संगम होता है? का पिंडर नदी, खा पूर्वी धौली, गा रामगंगा, घा पश्चिमी धौली। सही उत्तर है पश्चिमी धौली। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से पश्चिमी धौली नदी का संगम होता है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से पश्चिमी धौली जो नदी है उसका संगम होता है। क्वेश्चन नंबर चार है, सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलने वाली सोनगंगा कहाँ से निकलती है? सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलने वाली सोनगंगा कहाँ से निकलती है? का गांधी सरोवर, खा बासुकी ताल, गा भ्यू भंडार, घा श्रेष्ठ ताल। सही उत्तर है खा बासुकी ताल। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलने वाली सोनगंगा जो नदी है ये बासुकी ताल से निकलती है। क्वेश्चन नंबर पाँच है, गोहना ताल किस नदी पर स्थित था? का जाड़ गंगा, खा ब्रही गंगा, गा पिंडर नदी, घा बाल खिल्ले नदी। सही उत्तर है ब्रही गंगा। गोहना ताल जो है ये ब्रही गंगा नदी पर स्थित था। गोहना ताल ब्रही गंगा नदी पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर छः है, नंदाकोट, त्रिशूली तथा नंदा घुंघटी के हिमनद निम्न में से किस नदी को जल देते हैं? नंदाकोट, त्रिशूली तथा नंदा घुंघटी के हिमनद निम्न में से किस नदी को जल देते हैं? का पिंडर, खा काली, गा ब्रही, घा बाल गंगा। सही उत्तर है ब्रही। नंदाकोट, त्रिशूली तथा नंदा घुंघटी के हिमनद बिरही नदी को जल देते हैं। क्वेश्चन नंबर सात है, द्यूरी ताल निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? द्यूरी ताल जो है वो किस नदी का उद्गम स्थल है? का असी गंगा, खा बाल गंगा, घा पिंडर गंगा, घा गोरी गंगा। सही उत्तर है असी गंगा। उत्तराखंड में द्यूरी ताल जो है ये असी गंगा नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर आठ है, भिलंगना नदी के तट पर स्थित पहला गांव कौन सा है? भिलंगना नदी के तट पर स्थित पहला गांव कौन सा है? का घनसाली, खा गंगी, गा बाण, घा ओसला। सही उत्तर है गंगी। भिलंगना नदी के तट पर स्थित पहला गांव गंगी है। गंगी वो पहला गांव है जो कि भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नौ है, बागेश्वर शहर किन दो नदियों के संगम पर बसा है? का पिंडर और अलकनंदा, खा कोसी और रामगंगा, गा काली और गोरी, घा सरयू और गोमती। सही उत्तर है ऑप्शन घा सरयू और गोमती। बागेश्वर शहर सरयू और गोमती नदियों के संगम पर बसा है। बागेश्वर जो शहर है वो सरयू और गोमती नदियों के संगम पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर दस है, रामेश्वर के समीप सरयू से कौन सी नदी संगम करती है? रामेश्वर के समीप सरयू से कौन सी नदी है जो संगम करती है? का रामगंगा पूर्वी, खा रामगंगा पश्चिमी, घा धौली पूर्वी, घा ढौली पश्चिमी। सही उत्तर है रामगंगा पूर्वी। रामेश्वर के समीप सरयू से रामगंगा पूर्वी नदी संगम करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, माणा गांव के पास अलकनंदा तथा सरस्वती के संगम स्थल को किस नाम से पुकारा जाता है? माणा गांव के पास अलकनंदा तथा सरस्वती के संगम स्थल को
किस नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है? का विष्णु प्रयाग, खा गणेश प्रयाग, गा केशव प्रयाग, घा नारद प्रयाग, सही उत्तर है केशव प्रयाग। माणा गांव के पास अलकनंदा तथा सरस्वती के संगम स्थल को केशव प्रयाग के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बामड़ी गांव तथा बद्रीनाथ धाम के बीच में कौन सी नदी बहती है? बामड़ी गांव तथा बद्रीनाथ धाम के बीच में कौन सी नदी बहती है? का गरुण गंगा, घा सरस्वती, घा धौली गंगा, घा ऋषि गंगा, सही उत्तर है ऋषि गंगा। बामड़ी गांव तथा बद्रीनाथ धाम के बीच में ऋषि गंगा जो नदी है वो बहती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में कौन सी नदी हिमानी से नहीं निकलती है? नहीं निकलती है, का पिंडर, खा अलकनंदा, घा भिलंगना, घा पश्चिमी रामगंगा, सही उत्तर है ऑप्शन घा पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा जो नदी है ये हिमानी से नहीं निकलती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तरकाशी जनपद के लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? उत्तरकाशी जनपद का जो लंका नामक स्थान है उसमें भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? का भिलंगना, खा पाताल गंगा, गा जाह्नवी, गा गरुण गंगा, सही उत्तर है जाह्नवी। उत्तरकाशी जनपद के लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से जाह्नवी नदी का मिलन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दूधा टोली से निकलने वाली पूर्वी तथा पश्चिमी नयार नदियों का संगम कहाँ पर होता है? का थलीसैण, घा खा ज्वालपा देवी, गा व्यासघाट, घा भांगघाट, सही उत्तर है भांगघाट। दूधा टोली से निकलने वाली पूर्वी तथा पश्चिमी नयार नदियों का संगम भांगघाट पर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रसिद्ध तिराड़ी मैदान किस नदी के तट पर स्थित है? का टॉन्स, खा भागीरथी, गा यमुना, घा पाबर, सही उत्तर है यमुना। प्रसिद्ध तिलाड़ी मैदान यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्रसिद्ध तिलाड़ी मैदान जो है ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? का रामगंगा, खा सोना नदी, खा गा खो नदी, घा मालिनी, सही उत्तर है मालिनी। कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कण्वाश्रम जो है ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, टोंस तथा पाबर नदी आपस में कहाँ पर मिलती हैं? का लाखामंडल, खा नौगांव, गा त्यूणी, घा पुरोला, सही उत्तर है त्यूणी। टोंस तथा पाबर नदी आपस में त्यूणी पे मिलती हैं। टोंस और पाबर नदी जो है ये आपस में त्यूणी नामक स्थान पर मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? का पिंडारी ग्लेशियर, खा संतो पंथ ग्लेशियर, गा नामिक ग्लेशियर, घा सहस्त्रताल ग्लेशियर, सही उत्तर है नामिक ग्लेशियर। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल नामिक ग्लेशियर पर है। पूर्वी रामगंगा जो नदी है इसका जो उद्गम स्थल होता है ये नामिक ग्लेशियर में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोइराला नदी काली नदी से कहाँ पर मिलती है? कोइराला नदी जो है ये काली नदी से कहाँ पर मिलती है? का जौलजीवी, खा तवाघाट, घा गा धालचूला, घा पंचेश्वर, सही उत्तर है घा पंचेश्वर। कोइराला नदी काली नदी से पंचेश्वर नामक स्थान पर मिलती है। कोइराला जो नदी है ये काली नदी से पंचेश्वर स्थान पर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गढ़वाल में बहने वाली नयार किस स्थान पर गंगा से मिलती है? गढ़वाल में बहने वाली नयार किस स्थान पर गंगा से मिलती है? का देवप्रयाग, खा ब्रह्मपुरी, गा व्यासघाट, घा गूलर घाटी, सही उत्तर है व्यासघाट। गढ़वाल में बहने वाली नयार व्यासघाट स्थान पर गंगा से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, महाकाली नदी को किस स्थान पर शारदा नाम से पुकारा जाता है? महाकाली नदी को किस स्थान पर शारदा नाम से पुकारा जाता है? का पंचेश्वर, खा जौलजीवी, गा बरमदेव, घा बनबसा, सही उत्तर है बरमदेव। महाकाली नदी को बरमदेव स्थान पर शारदा नाम से पुकारा जाता है। महाकाली जो नदी है इसको बरमदेव स्थान पर शारदा नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अलकनंदा के निम्न में कौन सी सहायक नदी नहीं है? अलकनंदा की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? का गरुण गंगा, खा पिंडर, गा टॉन्स, घा नंदाकिनी, सही उत्तर है टॉन्स। अलकनंदा की टॉन्स जो है ये सहायक नदी नहीं है। टॉन्स जो नदी है ये अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। गरुण गंगा, पिंडर और नंदाकिनी ये सभी अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, चांदपुर गढ़ी किस नदी के समीप स्थित है? का आटागाड, खा प्राणमती, गा पश्चिमी नयार, घा पिंडर, सही उत्तर है आटागाड। चांदपुर गढ़ी आटागाड नदी के समीप स्थित है। चांदपुर गढ़ी जो है ये आटागाड नदी के समीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में कौन सी नदी पुरोला घाटी के लिए वरदान कही जाती है? ऐसी कौन सी नदी है जो पुरोला घाटी के लिए वरदान कही जाती है?
काटोंस खा पाबर गा कमल घा यमुना सही तरह कमल कमल जो नदी है ये पुरोला घाटी के लिए वरदान कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पिंडर घाटी के अंतिम गांव का क्या नाम है। पिंडर घाटी के अंतिम गांव का क्या नाम है? का गंगी खा ओखला गा खाती गा घा घुंजी सही तरह खाती। पिंडर घाटी के अंतिम गांव का नाम खाती है। पिंडर घाटी के जो अंतिम गांव है उसका नाम खाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मछली मारने का पारंपरिक मौड़ मेला किस नदी में आयोजित होता है? मछली मारने का पारंपरिक मौड़ मेला जो है वो कौन सी नदी में आयोजित होता है? का आटागाड खा अलगाड गा प्राणवती घा बालखिल्य नदी सही तरह अलगाड। मछली मारने का पारंपरिक मौड़ मेला अलगाड नदी में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में कौन सा ताल सप्त सुरंग पर्वतों से घिरा हुआ है? का होमकुंड खा संतोपंथ ताल घा हेमकुंड घा वेदनी कुंड सही उत्तर है हेमकुंड। हेमकुंड जो ताल है ये सप्त सुरंग पर्वतों से घिरा हुआ है। हेमकुंड ताल सप्त सुरंग पर्वतों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन 29 है, केदारनाथ क्षेत्र में स्थित गांधी सरोवर को एक अन्य किस नाम से भी पुकारा जाता है? का चौराबाड़ी गा खा काग भूसंडी गा देवरिया ताल घा नरसिंह ताल सही उत्तर है चौराबाड़ी। केदारनाथ क्षेत्र में स्थित गांधी सरोवर को चौराबाड़ी जो अन्य नाम है उससे भी पुकारा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केदारनाथ क्षेत्र में स्थित गांधी सरोवर को चौराबाड़ी जो एक अन्य नाम है उससे भी पुकारा जाता है। क्वेश्चन 30 है, कोटद्वार किस नदी के तट पर बसा हुआ है? का पश्चिमी नयार खा खो नदी गा रामगंगा घा सोन नदी सही उत्तर है खो नदी। कोटद्वार खो नदी के तट पर बसा हुआ है। कोटद्वार जो शहर है ये खो नदी के तट पर बसा हुआ है। इस वीडियो में उत्तराखंड राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी गई है। जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी डीएलएड फॉरेस्ट गार्ड उत्तराखंड पीएससी पुलिस यूबीटीआर ग्रुप सी ग्रुप डी टीईटी आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।